हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनल ले पुनर बार स्वागत जनाइस। सो आज मैं करने वाली हूँ एक फेस्टिव लुक विद मेबलिन प्रोडक्ट्स। अब बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ मैं एक फेस्टिव लुक करने वाली हूँ क्योंकि अभी जस्ट दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, फिर दिवाली भी आ रही है। सो आई एम रियली वेरी 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 मच एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि एक सिंपल मेकअप लुक, फेस्टिव लुक क्रिएट करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, जैसे कि आप सबको पता है कि आई लव न्यूड लुक, नॉर्मल मेकअप लुक, वेरी सटल, नो मेकअप मेकअप लुक। सो मेबलिन के प्रोडक्ट्स के साथ मैं आज एक बार ट्राई करूंगी, यू नो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूंगी। यूजुअली मैं मेबलिन के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो आज आपके साथ आई विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, नहीं बोलूंगी जो मुझे पसंद है, समथिंग आई रियली लव। सो बिना ज़्यादा बात के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर लगा लिया है, तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे बेस से, लाइक फाउंडेशन से। और फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोलेस SPF 22115 मेरा शेड नंबर है, SPF भी है 22। अगर आप सनस्क्रीन नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं क्योंकि इस फाउंडेशन में है SPF 22। सो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा कभी कभी क्या होता है, गलती से आई स्किप सनस्क्रीन, विच इज़ नॉट गुड। मतलब आपको नहीं स्किप करना चाहिए, पर मेरा कभी कभी गलती से हो जाता है अगर मैं जल्दी में होती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी मी, मतलब मेबलिन का ही सारा प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद है, सारे प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद है। ऑल्सो द फिट मी फाउंडेशन मैं बहुत नॉर्मली, मतलब अगर मुझे बाहर कहीं जाना है, नो मेकअप मेकअप लुक या फिर सटल लुक कुछ करना है, देन आई गो फॉर फिट मी ओनली बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और वेरी ईजी टू ब्लेंड। और अभी प्रॉपरली ब्लेंड हो गया, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया है, और नेक में मैं बाद में करूँगी कपड़े पहनने के बाद। डू माई आईज विद दिस आई शेडो पैलेट द सिटी मिनी पैलेट मेबलिन न्यूयॉर्क का। एंड मुझे ये पैलेट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये इट्स वेरी यू नो छोटू सा पैलेट है, आप कहीं पर भी आराम से इसे लेके जा सकते हो और बहुत सारे कलर्स हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर न्यूड कलर दैन ऑल्सो यू कैन गो, और अगर आपको थोड़ा सा अगर ग्लिटर चाहिए, पार्टी लुक चाहिए, दैन ऑल्सो यू कैन डू विद दिस मिनी पैलेट, छोटू पैलेट। और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, और जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेवल फ्रेंडली एंड वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि अभी मैं दिन में ही बाहर जा रही हूँ तो मुझे हैवी नहीं करना है, तो मैं बहुत ही न्यूड सा कलर करूँगी ताकि आई कैन यू नो आराम से मैं घूम पाऊँ। और मैंने बहुत ही हल्का सा लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी एज यू कैन सी कि पूरा कलर ऑलरेडी आ गया है, बस मुझे इसे अच्छे से थोड़ा सा और ब्लेंड करना है। सो उसके ऊपर मैं बिल्कुल हल्का सा ग्लिटर लगाऊंगी ताकि एक और अच्छा लुक आ जाए। सो आई विल गो विद ब्राउन क्योंकि मैंने आई शेडो भी उसी कलर में लगाया, तो ताकि बहुत ज़्यादा एकदम हाईलाइट ना हो जाए। Just, ooh, nice. So I'm done with my eyes, मतलब आई शेडो और आईब्रो हो गया है, तो आई जस्ट डू आई लाइनर। आईलाइनर के लिए आई एम गोना यूज दिस मेबलिन न्यूयॉर्क का लाइन टैटू हाई इम्पैक्ट आई लाइनर, और इट्स इन द कलर डार्क ब्लैक, और ये पेंसिल जैसा है, मतलब पेन और पेंसिल जैसा है, इसको पकड़ के शेप देने में बहुत ईजी होता है। एंड यस डिस्क्लेमर, आप बहुत ज़्यादा इसको प्रेस मत कीजिएगा क्योंकि आप हल्का सा भी लगाओगे देन ऑल्सो ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो डन विद माई आई लाइनर, और आई लाइनर के बाद मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा।
और मस्कारा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा, जो अभी बिल्कुल हाइप में है और हाइप में होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसे लास्ट कई दिनों से यूज कर रही हूँ एंड आई लव द रिजल्ट। तो एज यू कैन सी कि अभी मेरे लैशेस इतने नहीं पता चल रहे क्योंकि मैंने लाइनर लगाए, तो आफ्टर अप्लाइंग द मस्कारा यू विल गेट टू नो कि हाँ लैशेस है। लेट्स सी द डिफरेंस। और फॉर पीपल जिसके लैशेस बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी लैशेस नहीं है और नेचुरल, दिस मस्कारा इज फॉर यू गाइज। सो आई डोंट थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत भी है, यू गाइज कैन सी द डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई लव दिस मस्कारा। एंड आई एम ऑलमोस्ट डन, आई जस्ट डू माई ब्लश, हाईलाइटर लगाऊंगी, लिपस्टिक और मेरा हो जाएगा। और ब्लश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी का ये मिनी पैलेट, इट्स इन द शेड 40 प्राउड। सो मैं बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करूंगी। वेरी 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 नेचुरल, आप आराम से नॉर्मली भी बिना मेकअप भी आप इसे इस ब्लश को यूज कर सकते हो, मतलब बिना फाउंडेशन भी अगर आप चाहते हो कि चिक्स थोड़े से पिंक लगे तो यू गाइज कैन यूज दिस ब्लश पैलेट और आराम से आप इसे कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हो। सो आफ्टर द ब्लश मैं यूज करने वाली हूँ ये हाईलाइटर मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो मेटलिक हाईलाइटर By Maybelline New York. So this is how it looks like. बहुत ही shimmery vibe दे रहा है बिल्कुल। तो हम हल्का सा लेंगे and तो जहाँ भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है आप वहाँ पे ये हाईलाइटर यूज कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज एज आई सेड कि डे लाइट है, बहुत ज़्यादा करके जाओगे तो मुझे भी कंफर्टेबल नहीं होगा। सो येस यू गाइज कैन सी द ग्लो। और अभी आई एम ऑलमोस्ट डन, उसके बाद बस एक चीज़ बाकी रह गई है, दैट इज लिपस्टिक। एंड फॉर लिपस्टिक एक्चुअली आई हैव 3 लिपस्टिक्स मेबलिन का, आई थिंक आई विल गो विद दिस कलर क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है तो लिपस्टिक में थोड़ा सा हैवी जाऊंगी। एंड ओ गॉड द स्मेल मैन, बहुत 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 ही ज्यादा चॉकलेटी स्मेल है इसकी, ऐसा मन करेगा कि आप खा जाओ इसको, पर खाना नहीं है। सो बिल्कुल आप अगर नॉर्मली भी हल्का सा भी लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छे से कलर आएगा, तो मेक श्योर कि आप जो भी एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पे अच्छे से रिमूव करके देन अप्लाई, अदरवाइज बहुत ज्यादा लग जाएगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी रिच कलर, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। और अगर आप थोड़ा सा बोल जाना चाहे लिप कलर में देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, शेड है मेरा 10 लिपी। ये लिक्विड लिपस्टिक है पर ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है, इट विल गिव यू वेरी यू नो सॉफ्ट वाइब, बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टिक हो जाता है एंड ड्राई हो गए, क्योंकि हम जब लिक्विड लिपस्टिक यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है एंड बाद में क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। तो दिस लिपस्टिक विल गिव यू वेरी मॉइस्चराइजिंग काइंड ऑफ वाइब, मतलब लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और बहुत ही सॉफ्ट जैसा भी आपको फील होगा तो यू विल नॉट फील दैट कि क्रैक हो जाएगा या फिर लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जो बाकी के दो कलर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। दिस इज इन द शेड 0, दिस इज इन द शेड 50 विकेट डार्क रेड। देखिए दिस इज फेस्टिव सीजन, तो इफ यू गाइज वॉन्ट टू गो फॉर रेड, और ये भी रेड है बट देन दिस इज अ डिफरेंट रेड एंड दिस इज अ डिफरेंट रेड, दीज टू आर द कलर्स आई हैव बाकी इसके अलावा भी। और अगर मुझे थोड़ा सा हैवी फेस्टिव लुक करना है या फिर थोड़ा सा बोल्ड में जाना है देन आई एम गोना डेफिनेटली यूज देम। सो आई एम डन, मेरा सब कुछ हो गया है, अभी मैं आप लोगों से मिलूंगी फाइनल लुक के साथ।